हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा बच्चे, वही क्वेरीज हैं, वही आपने आज मुझसे खूब डांट डपट खाई। गुस्सा होते हैं आप लोगों के लिए ही होते हैं, वही बातें आपको बता बता के थक जाते हैं, फिर आप वही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, फिर गुस्सा आता है। तो यार, इनको हमने ये चीज़ समझाई है, क्यों नहीं ये बात को फॉलो कर रहे? अब वही आ रहा है सर, मेरे 36 MCQs थे, मेरे इतने रह गए हैं, मेरे उतने रह गए हैं। जबकि आपको बताया हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं नौजवान जिन्होंने लॉग इन ही नहीं हुआ जिनसे, क्योंकि हमने यार आपको 500 दफ़ा बताया है। और कॉलेज पर भी अफसोस होता है कि ये मुंह उठा के बच्चों से, बस इनका एक ही काम है कि फ़ी ले लें और बच्चे जाएँ बाहर। तो ज़रा शर्म नहीं है इनको? बड़ा अफसोस होता है जब सुनता हूँ जी, फलां बच्चे हैं वो 8वें सेमेस्टर का था, 6ठे का था, पेपर नहीं देने दिया उन्होंने, पासवर्ड नहीं दिया। वो जी 4थे सेमेस्टर में था जी, 5वें की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी। यार ये कौन से लोग हैं? मतलब आप लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है, सिटीजन पोर्टल पे इनकी कंप्लेंट डालें। ये कहाँ का रूल है कि जी फर्स्ट में अगले सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट देनी है? ऐसा कोई रूल है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हाईली अनएथिकल है, इलीगल है, इमोरल है। आप इसको रिपोर्ट करें। आप देखें, आप 20 जुर्म में बराबर का शरीक हैं। मतलब आप लोग जब स्कूल्स के साथ ये दे देते हो, और वो बच्चे जो बेचारे नहीं अफोर्डिंग, और उनका पेपर या उनके साथ अब ज्यादती होती है, तो कल को आखिरत में आपकी भी पकड़ होगी। आप अपने पैसे का घुमांड दिखाते हैं, शोकी दिखाते हैं कि जी हमारे पास पैसे हैं, ये हमने फ़ौरन निकाल के दे दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपकी इस हरकत की वजह से, मैं इसको घटिया हरकत बोलूँगा, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आज मेरे पास 13 से 14 केसेस आए हैं, सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, और अल्लाह ताला इनको हदायत दे, शर्म नाम की इनके पास ज़रा सी कतरी नहीं है इनके पास। ये वो घटिया मेंटेलिटी के ये वो लोग हैं जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी छोटे पाना नंबर 2 लाओ, छोटे पाना नंबर 3 लाओ, और इन्होंने कॉलेज बना लिए, और इनको मतलब शर्म नहीं है इन लोगों को कि यार बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हो, आपको ज़रा शर्म नहीं है? कल को आपके साथ भी, बल्कि कल आपके भी यही हालात है ना, जिन्होंने कभी पैसा देखा नहीं होता वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैं हार्श होना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, आज 10 से 12 डिफरेंट एक कॉलेज की केसेज नहीं रिपोर्ट कर रहा, स्टूडेंट सुन रहे हैं, इनको भी पता है, इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है। 5 की तो फी मैंने अपने पास से दी है। तो बच्चे देखे, खुदा का खौफ खाया करें, आप लोगों की वजह से वो बच्चे जो अफोर्डिंग नहीं है बेचारे, उनके साथ ये ज्यादतियाँ होती हैं, और अल्लाह ताला इन कॉलेज वालों को हदायत दे। ये माफिया एक बना हुआ है, और डेफिनेटली ये जो अल्लाह की पकड़ है, ये अल्लाह डील देता है उसके बाद खींचता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन लूँ इनके खिलाफ, और हाल दो कि मैं इस पोजिशन में हूँ कि मैं एक्शन ले सकूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है, यकीन मानिए, आई हैव नो वर्ड्स। इसके अलावा बच्चे, ये बार बार आपकी एक क्वेरी आ रही है कि जी हमारा लैपटॉप टाइम, यार कितनी दफ़ा आपको बता बता के ताती हूँ, अभी मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। आज दिन भर बच्चे यही रहा है कि जिन लोगों ने टाइम वगैरह स्टॉप किया था या उसकी प्रैक्टिस की थी, तो आज पूरे दिन में किसी का कोई पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुआ। अगर टाइमिंग 1 से 2:30 तक की थी तो वो पेपर 5 बजे तक भी चला है। अगर टाइमिंग 3 से 5 तक की थी तो 3 से 4:30 तक की थी तो वो पेपर 3 से 6:30 तक भी चला है। कल को क्या होता है, आई कैंट से समथिंग, लेकिन आज के पेपर में किसी का भी पेपर क्लोज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी खबर थी। और जो बुरी खबर है आप लोगों के लिए, वो बुरी खबर MSc सेकंड वालों के लिए हैं कि उनके फिजिकल एग्जाम्स होंगे, और जो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, जो जितने भी पेपर पुराने कैंसिल हुए थे उन तमाम के एग्जामिनेशन रिजल्ट नोटिफाई करना शुरू कर दिए हैं, और उनके जो मार्क्स पेपर कैंसिल हुए थे वो कंसिडर कर लिए गए हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिडक्शन। तो अभी तक के लिए बच्चे यही था मेरे पास। फर्दर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, कोई आपने चीज़ ऑब्जर्व की है, कोई आपके पास अच्छी चीज़ है शेयरिंग के लिए, वो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कॉलेज ने किसी के साथ कोई अच्छा एक्ट किया है या बच्चों को फैसिलिटेट किया है, उसको ज़रूर प्रमोट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम भी उनके साथ शेयर करें कि फलां कॉलेज है जो बच्चों के साथ अच्छा कर रहा है।
इसी तरह बहुत सारा माफिया यहाँ पे, दुनिया का अलग है पंजाब, दुनिया पूर्व पंजाब का अलग, वो अच्छे लोग हैं, बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, नजायज उनके साथ पैसे नहीं लेते। जैसे जैसे मतलब जिनका जिसका पता चलता है वक्त वक्त, मैं अप्रिशिएट करता रहूँगा उनको, और जो माफियाज हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे कि उनको भी हम एक्सपोज करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे हैं वो बच सकें इनके चुंगल से। तो इसके साथ साथ बच्चे जो नए एडमिशन हो रहे हैं बीएस के, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू नहीं हुए, तो मेरी यही सजेशन होगी आप लोगों को कि आप लोग जितने भी हैं अपने बहन भाइयों का एडमिशन अभी ना करवाएं। उसकी वजह है कि HCC ने अपना एक टेस्ट रख दिया है, कॉलेज वाले आपसे पैसे ले लेंगे, आपको गारंटी भी दे देंगे कि पेपर होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं होगा। ये HCC ने कंपलसरी कर दिया है, जब तक आप HCC का वो टेस्ट, आपका बहन भाई जो भी है, पहले वो टेस्ट पास करें। बच्चे जनवरी तक का टाइम है, जनवरी तक आप किसी भी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उससे पहले पहले आप वो टेस्ट दिलवाएं, टेस्ट पास होता है तो ठीक है, वरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ना आपका एडमिशन होगा। तो अभी तक के लिए बच्चे यही थी, फर्दर कोई क्वेरी है आपकी तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हम नसर हो, दुआ मांगी आज।